नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सत्य कथा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल के बारे में। 2022 सबके लिए मंगलकारी हो, सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों के लिए 2022 का ये वर्ष। क्या करें क्या ना करें, क्या करने से आपको अधिक लाभ होंगे और कौन कौन से आपके लिए लकी नंबर और लकी कलर रहेंगे, सभी कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं तुला राशि वाले जातकों के बारे में। अगर हम बात करें तो तुला राशि, यानी कि अगर हम यहाँ पर जो गणना देख रहे हैं वो लगन के अनुसार देख रहे हैं, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर 7 नंबर है तो ये गणना आपके लिए है। साल के शुरुआत यानी कि 1 जनवरी 2022 को जो ग्रह गोचर स्थिति रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। तुला लगन वाले जातकों के सेकंड हाउस के अंदर मंगल, केतु और चंद्रमा का गोचर रहेगा। यहाँ पर मंगल स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में थोड़ा सा कटुता को लेकर आते हैं। साथ ही साथ जो लोग थायराइड के पेशेंट हैं वो भी अपना इस समय में ध्यान रखें। जिन लोगों को गले से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती रहती हैं उनको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है इस समय में। अब बात कर लेते हैं आपके लगन के स्वामी का। तीसरे घर के अंदर गोचर रहेगा साल के शुरुआत में, जो कि रहेगा सूर्य के साथ में। तो सूर्य के साथ में यहाँ पर शुक्र का गोचर रहेगा। लगन के स्वामी का तीसरे घर के अंदर आना हालांकि इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ से शुक्रदेव बैठ कर सीधी दृष्टि से एक्टिवेट करेंगे आपके 9th हाउस को, यानी कि आपके भाग्य भाव को। तो यहाँ पर भाग्य के भरोसे आपको नए नए गिफ्ट मिल सकते हैं। नए साल के अंदर आपको कुछ नया मिलने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि यहाँ जो मिलेगा वो आपके भाग्य के भरोसे मिलेगा। जो अर्जित आप करेंगे वो आपके भाग्य के भाव पर करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम आपके 4th हाउस के मालिक यानी कि शनिदेव बुध के साथ विराजमान है आपके 4th हाउस में, यानी कि स्व राशि के शनि चतुर्थ हाउस में बैठकर एक्टिवेट करेंगे सीधा सीधा अपनी दृष्टियों से आपके लगन को, आपके कर्म भाव को और आपके छठे भाव को यानी कि 6th हाउस को। तो यहाँ पर पहले हम ये जानेंगे कि जो चौथे घर के अंदर शनि का ये गोचर रहेगा वो कैसा रहेगा। चौथे घर के अंदर शनि का ये गोचर आपके लिए हालांकि इतना बुरा नहीं है। पुराने मकान के अंदर रिनोवेशन की इस समय में आप बातचीत कर सकते हैं, चीजें चल सकती हैं। साथ ही साथ यदि यहाँ पर देखा जाए तो आपके कर्म क्षेत्र पर भी शनिदेव की दृष्टि है, तो काम आपका चलता रहेगा। हाँ, आपकी जो डेली लाइफ अभी थोड़ी सी उथल पुथल थी वो यहाँ पर आते आते बिल्कुल ठीक होने की संभावनाएं इस वर्ष में बनती हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर साल के शुरुआत से यानी 1 जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक रहेगा आपके 5th हाउस के अंदर, आपके संतान के भाव के अंदर और आपकी शिक्षा के भाव के अंदर। तो यहाँ पर ये आपको ज्ञानवान बनाएगा। साथ ही साथ जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा होगा। स्पिरिचुअलिटी से अगर जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का कोई कार्य करते हैं, किताबें बनाते हैं या फिर कहीं किसी प्रकार का ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको कंसल्टेशन देनी पड़ती है, कोई बीमा का कार्य करते हैं, वकील का कार्य करते हैं, क्योंकि देखिए शनि जो है वो हम कहीं ना कहीं शनि को दंडनायक देखते हैं या फिर निर्णय लेने की दृष्टि से देखते हैं, तो शनि की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग वकालत से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या फिर वकालत की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए गुरु और शनि दोनों मिलकर बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय में देने वाले हैं। जुडिशियल से जुड़े हुए कार्यों में आपको सक्सेस मिलेगी। अब बात कर लेते हैं राहु का गोचर आपके 8th भाव में रहेगा साल के शुरुआत से। तो जो थोड़ी बहुत परेशानियां आपको इस समय में हो रही थी या फिर आपको किसी रिसर्च में लगे हुए थे या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि बिना बात के मेरे को बिन बुलाई परेशानियां इस समय में जो है वो परेशान कर रही थी, वो थोड़ा सा यहाँ से चेंज होंगी। लेकिन वो कब चेंज होंगी? अप्रैल के महीने में। यहाँ से राहु बैठकर आपके क्योंकि चौथे घर को भी देख रहे थे तो आपके पारिवारिक सुख में थोड़ी सी कमी कर रहे थे। साथ ही साथ सेकेंड हाउस पर राहु की दृष्टि यानी कि सेविंग तो कुछ होने ही नहीं दे रहे थे, इधर पैसा आया और उधर गया, ये वाली स्थिति इस समय आपकी बनी हुई थी, जो अप्रैल माह तक आपकी इसी प्रकार बन सकती है। बेकार की चीजों में आपका खर्चा बहुत अधिक इस समय में बढ़ सकता है,
तो अपने पैसे को बड़ा ही सोच समझकर थोड़ा खर्च करें। ये तो था कुछ बड़े ग्रहों का गोचर जो हमने देखा कि साल के शुरुआत में, यानी कि गणना जो है वो पहले दिन से कैसी रहेगी, क्योंकि दोस्तों ग्रह गोचर लगातार बदलते रहते हैं। बुध का भी गोचर जल्दी बदलता है, मंगल भी 45 दिन के बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, और चंद्रमा तो सबसे फास्ट चलने वाले ग्रह हैं जो कि हर 2 दिन के बाद में अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस वीडियो में इतना ज़्यादा अधिक हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर हम समय समय पर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल, आपके लिए मासिक राशिफल और आपके जो ग्रह गोचर चेंज होंगे उनका राशिफल भी लेकर आते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरा पड़ाव जो साल का आएगा वो कैसा रहेगा। अप्रैल के महीने में बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, राहु, केतु, गुरु और शनि। यानी कि अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो चैत्र मास से नव संवत्सर शुरू होता है, तो नव संवत्सर की शुरुआत से ही बड़े ग्रह करवट लेंगे, बदलेंगे और यहाँ पर प्रेडिक्शन कुछ और बदल जाती है। तो आइए जानते हैं कि अप्रैल यानी कि 12 अप्रैल को जो राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ से आएंगे मेष राशि में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे अपनी स्वराशि यानी कि मीन राशि के अंदर। और तीसरे ग्रह यानी कि शनि देव जो मकर राशि में चल रहे थे अब अपनी ही दूसरी राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन चारों ग्रहों का, क्योंकि राहु का गोचर बदल रहा है तो डेफिनेटली केतु का गोचर भी बदलेगा, क्योंकि राहु और केतु आमने सामने बैठते हैं और एक साथ ही परिवर्तन करते हैं। तो इन चार ग्रहों का गोचर बदलाव हमारे जीवन पर क्या असर डालेगा, कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रह गोचर का बदलाव, देखते हैं। तुला राशि वाले जातकों के जहां शनि अब तक चतुर्थ भाव में यानी कि 4th हाउस में बैठे थे, अब आपके पंचम भाव के अंदर गोचर करेंगे। पंचम भाव यानी कि आपके संतान का, और कहीं ना कहीं यहाँ पर शेयर मार्केट से जो लोग सट्टा जुआ इत्यादि का काम करते हैं या फिर इस प्रकार के किसी भी प्रकार की कमीशन का कार्य करते हैं, लोहे से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ से शनि का बदलाव थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि आपके प्रॉफिट के भाव पर जा रही है, तो लाभ की संभावनाएं इस समय में बनती हैं। साथ ही साथ शनि का ये गोचर आपके सप्तम भाव को भी एक्टिवेट करेगा, शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम हाउस पे पड़ेगी। तो यदि आपके बीच में कोई अनबन चल रही थी या क्लैशेस चल रहे थे तो उसको बहुत अधिक तूल ना दें, बहुत अधिक बढ़ावा ना दें, क्योंकि अप्रैल के महीने में जहां सूर्य और राहु पहले से विराजमान होंगे आपके सप्तम भाव के अंदर, वहीं शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, तो जीवन साथी के साथ इस समय खटपट होने की संभावनाएं बन सकती हैं, झगड़े बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। इन झगड़ों को रोकना आपके हाथ में है, एक दूसरे को समय दीजिए और जितना हो सके चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें पंचम भाव से हम शिक्षा का विचार भी करते हैं, तो शनि का ये गोचर यहाँ पर आपकी शिक्षा के लिए नए रास्ते खोलेगा और साथ ही साथ आपको नई किसी प्रकार की लैंग्वेज के लिए भी प्रेरित करेगा, क्योंकि शनि जो है वो अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस पर भी कमांड रखता है। अचानक ही आपकी जो रुचि है वो नई नई चीज़ों को सीखने के लिए बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो अब तक आपके पंचम भाव में था, अब आपके 6th भाव के अंदर स्वराशि के बृहस्पति बैठे हैं। यहाँ पर बृहस्पति का ये गोचर, कहते हैं बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं वहाँ की चीज़ों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियाँ जो होती हैं वो अपने आप में, क्योंकि इन्हें नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है, तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं वो शुभ दृष्टि मानी जाती हैं। और यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कर्म के क्षेत्र पर पड़ रही है, यानी कि आपके बिजनेस पे, आपकी जॉब पर इसका प्रभाव डेफिनेटली पड़ेगा। अगर आपका कोई मेडिकल कॉलेज है, आप पढ़ाई का काम करते हैं, स्टेशनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, तो यहाँ से वो बदलाव होते हुए दिखाई देंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। साथ ही साथ जो लोग कंसल्टेशन का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर से नए अवसर शुरू होंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के 12वें भाव पर। तो 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से हाँ आप धार्मिक स्थलों पर तो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपका खर्चा
आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा इस समय में, क्योंकि यहां से शुक्र की दृष्टि भी आपके 12वें भाव पर पड़ेगी और इस टाइम पीरियड में यानी कि अप्रैल के महीने में शुक्र यहां पर नीच कर होकर विराजमान उच्च की राशि में बैठे होंगे और इनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी जो नीच दृष्टि होगी। तो ध्यान रखिएगा कि ओवर एक्सपेंडिचर इस समय में ना हो। अब बात कर लेते हैं हम राहु देव की। तो राहु देव जो राशि परिवर्तन करेंगे वो राशि परिवर्तन करेंगे आपके 7th हाउस के अंदर। सूर्य और राहु का ये गोचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। वो किस लिए नुकसानदायक होगा? स्पेशली आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। तो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर बातों को अधिक बढ़ावा ना दें। साथ ही साथ केतु का आपके 1st हाउस के अंदर गोचर कहीं ना कहीं आपके माथे पर इस समय कट लगने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इसके साथ साथ अगर आप देखें तो राहु की सीधी दृष्टि भी आपके 1st हाउस पर पड़ती हुई दिखाई देती है। तो ओवरऑल मिलाकर आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कुछ चीजों की अगर आप सावधानी बरतेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे, वापस वक्री होंगे जुलाई के महीने में, फिर वर्ष पर्यंत तक ये यही रहेंगे, लेकिन वक्री स्थिति में ही रहेंगे। लेकिन अगर इस समय में आप कुछ उपाय करते हैं, जैसे कि अगर आप इस समय में आप कोई भी अनटाइडी ड्रेसअप करते हैं अपने आप को, तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी टिप है, जितने कपड़े पहने आप उसको प्रेस करके वेल सेटल पहने। हो सकता है इस समय टाइम पीरियड के अंदर आपको ये लगे कि आपको कुछ इस प्रकार का अनुभव हो रहा है, आपकी होने वाली चीजें ये पहले से घटित हो चुकी हैं, आपको कुछ ऐसा लग सकता है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस टाइम पीरियड में जितना हो सके उतना आप बाजरे का दान कीजिए। बाजरे का दान पक्षियों को कर सकते हैं, कबूतरों को अगर जितना अधिक हो आप दाना डालिए, लेकिन ये दाना आपको अपनी छत पर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप ये छत पर डालेंगे तो भी आपके लिए ये फायदे की जगह नुकसान होगा। साथ ही साथ आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं, जिंदा मछली का दान कर सकते हैं, लेकिन वो गंदे पानी में नहीं करनी है। दुर्गा की अर्चना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, छोटी बच्चियों को आप मीठी चीजें बांट सकते हैं। साथ ही साथ ओम शुम शुक्राय नमः का पाठ अगर आप करेंगे वर्ष पर्यंत तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। और साथ ही साथ यदि आप किसी विषय पर बात करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, बात करते रहिए। जय माता दी।